ये जैसा देख सकते हैं हम, ये जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ये सारे इमेज। सबसे पहले एनेस्थीसिया। द वर्ड एनेस्थीसिया इज कॉइंड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स एन एंड एस्थेसिस। एन मीन्स विदाउट एंड एस्थेसिस मीन्स सेंसेशन, मतलब सेंसेशन का जिसमें लॉस हो जाए, सभी प्रकार के सेंसेशन का, वो उसको क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एनाल्जेसिक के बारे में बताया था पहले वीडियो में, तो एनाल्जेसिक का मतलब था कि जो सिर्फ पेन से सेंसेशन को ही ख़त्म करता है, बाकी सारे सेंसेशन एज इट इज़ रहते हैं, प्लस उसमें कॉन्शियसनेस भी अफेक्ट नहीं होता है। जबकि एनेस्थीसिया में सारे सेंसेशंस का लॉस हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर होल बॉडी का। ओके, एनेस्थीसिया इज अ मेडिकल प्रोसीजर विच इज डेलिबरेटली प्रोड्यूस टू मेक अ पेशेंट इनसेंसिबल टू पेन आइदर इन अ पार्ट और इन द होल ऑफ द बॉडी बाय विच डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल प्रोसीजर आर डन वाइल द पेशेंट सेफ्टी एंड कम्फर्ट्स आर मेंटेन। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो एनेस्थीसिया एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि हम जानबूझकर इंड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कोई भी जो डायग्नोस्टिक या सर्जिकल प्रोसीजर किया जा रहा है उस टाइम जो भी पेन वगैरह हो, डिस्कम्फर्ट हो, उसको पेशेंट क्या हो, बियर कर सके, या उसको उस पेन का या डिस्कम्फर्ट का एहसास ना हो। ठीक है, दूसरी बात आती है यहाँ पे इन अ पार्ट और होल बॉडी। अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही किया जाए तो उसको हम लोग लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया के अंतर्गत पढ़ते हैं, और अगर पूरे बॉडी में किया जाए तो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ठीक है, और इस एनेस्थीसिया प्रोसीजर को इंड्यूस करते समय हमको सबसे मेन पेशेंट की सेफ्टी और कम्फर्ट का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, फीचर्स ऑफ अ गुड एनेस्थेटिक। आइडियल एनेस्थेटिक क्या होना चाहिए? एबोलिश पेन, बी कम्प्लीटली रिवर्सिबल, मीन्स जो ड्यूरेशन है एनेस्थेसिया का उसके बाद में वो पूरी तरीके से वापस पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में आ जाना चाहिए। सेफ होना चाहिए, कम्फर्ट एंड सेफ्टी आर एसेंशियल। ओके, देन प्रोवाइड गुड ऑपरेटिंग कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल गुड रिलैक्सेशन फॉर एबडामिनल सर्जरी, एंड बी एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया, मैंने पहले ही बताया कि दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पूरे बॉडी में या किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो उसमें दो टाइप है, एक है जनरल एनेस्थीसिया और दूसरा होता है लोकल एंड रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, लोकल मीन्स बहुत ही छोटे एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है तो उसको लोकल बोलते हैं। रीजनल मतलब थोड़ा लोकल ही है लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर्टिकुलर कोई रीजन आ जाता है, जैसे पूरा हाथ है ना, या पूरा फोर लिम्ब है, इस टाइप से। ठीक है, ये रीजनल में आता है, आगे अपन देखेंगे। ये एनेस्थीसिया का एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि एनेस्थीसिया के जो दो हैं, लोकल और रीजनल, यहाँ पे अलग अलग किया हुआ है, और एक जनरल। ठीक है, देखते हैं एनेस्थीसिया का। पहला है लोकल, लोकल में टॉपिकल हो सकता है, टॉपिकल मतलब स्किन पे उसको लगा करके। ठीक है, जेली वगैरह, जैसे जाइलोकिन जेली वगैरह आते हैं स्किन पे, हम लोग लगाते हैं स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, तो उस लोकल एरिया में सेंसेशन का लॉस हो जाता है। ओके, या फिर इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन मीन्स बाय इंजेक्शन। ठीक है, या तो आईएम हो सकता है या सबक्यूटेनियस, जैसे भी हो सकता है। ठीक, देन है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया में है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, एपिड्यूरल, स्पाइनल एंड इंट्रावेनस रीजनल। ओके, देन है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में आता है टोटल इनहेलेशन एनेस्थीसिया, मीन्स जिसमें गैस वगैरह या लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया जाता है। देन है बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। बैलेंस्ड एनेस्थीसिया इसमें क्या आते हैं, मतलब मिक्स होता है, जैसे कि इनहेलेशन भी रहेगा, साथ में इंजेक्टेबल भी रहता है, और एनेस्थेटिक एडजंक्ट्स, एडजंक्ट्स मतलब प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव वाले ड्रग्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ओके, देन है टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। ठीक, तो इसमें आईवी ही यूज़ किया जाता है। ओके, देन फोर कंपोनेंट्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। हिप्नोसिस, फर्स्ट है हिप्नोसिस, एमनेसिया, अ स्टेट ऑफ स्लीप और अनकॉन्सियसनेस विच एनेबल द पेशेंट अनअवेयर ऑफ एनी इवेंट्स। ओके, फर्स्ट क्या है, हिप्नोसिस और एमनेसिया है। अ स्टेट ऑफ स्लीप और अनकॉन्सियसनेस विच एनेबल द पेशेंट अनअवेयर ऑफ एनी इवेंट्स, मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम में, टाइम इंटरवल जो एनेस्थीसिया का जो टाइम होता है जिसमें एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में पेशेंट के साथ जो भी होता है उसके लिए पेशेंट अनअवेयर होता है, मतलब उस
उस दौरान जो भी प्रोसीजर किया जाता है उसको पेशेंट याद नहीं रखता है, बाद में उसको कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है टेम्प्रेरी एमनेसिया। एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, ओके, नींद जैसी कंडीशन हो जाती है और इसलिए उसको हिप्नोसिस बोल रहा है, और एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ टेम्प्रेरी लॉस ऑफ यहाँ पे क्या है मेमोरी, ओके। देन है एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया मतलब इनसेंसिटिविटी टू पेन, मेन पर्पज तो अपना यही होता है, ठीक। मसल रिलैक्सेशन अफेक्ट स्केलेटल मसल फंक्शन एंड डिक्रीज द मसल टोन। फोर्थ है लॉस ऑफ ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, ओके। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया बोलना चाहिए। वैसे फ्रेंड्स ये जो स्टेजेस हैं ये पहले ईथर के अकॉर्डिंग चार स्टेज जो हैं वो डिवाइड किए गए थे, आजकल इन स्टेजेस का जो प्रैक्टिकली एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ईथर यूज़ नहीं किया जाता है, और जो एनेस्थीसिया यूज़ किए जाते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया होते हैं, तो ये चार स्टेज में ऐसे उसमें डिवाइड नहीं होता, बहुत ही जल्दी और बहुत ही सेफली एनेस्थीसिया को इंड्यूस किया जाता है, ओके। बट ईथर के अकॉर्डिंग गुडेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार स्टेज बताया है जनरल एनेस्थीसिया का। फर्स्ट स्टेज है एमनेसिया एंड एनाल्जेसिया स्टेज, ओके। स्टेज वन आल्सो नॉन एज इंडक्शन, स्टेज ऑफ इंडक्शन इज द पीरियड बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडक्शन एजेंट एंड लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, ओके। हम कोई भी एजेंट है एनेस्थीसिया एजेंट उसको इंड्यूस किए है ना, उसके बाद से लेकर के उसको जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है ये वाला स्टेज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस स्टेज द पेशेंट प्रोग्रेसेस फ्रॉम एनाल्जेसिया विदाउट एमनेसिया टू एनाल्जेसिया एमनेसिया विद एमनेसिया, मतलब पहले पेशेंट को तुरंत पेन का लॉस तो तुरंत हो जाएगा लेकिन एमनेसिया नहीं होता है, बाद में इस स्टेज के लास्ट तक क्या हो जाता है उसको एमनेसिया, कम्प्लीटली एमनेसिया हो जाता है, मतलब मेमोरी लॉस हो जाता है। पेशेंट्स कैन कैरी ऑन कन्वर्सेशन एट दिस टाइम, बट इस टाइम पे अगर हम पेशेंट से कुछ कन्वर्सेशन करें, उससे कुछ पूछें नाम वगैरह या जो भी पूछें, तो वो उसको रिप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का स्टेज है, अभी वो अनकॉन्सियस नहीं हुआ है, इस स्टेज के लास्ट के आते तक वो अनकॉन्सियस होएगा, ठीक। ड्यूरिंग दिस स्टेज द पेशेंट विल डिमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग, एबल टू ओपन आईज ऑन कमांड, है ना, उसको आई ओपन करने बोलेंगे, कमांड देंगे तो फिर वो अपने आई को ओपन कर सकता है। ब्रीद नॉर्मली, ब्रीदिंग उसकी नॉर्मल होते हैं। मेंटेन प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस एंड टॉलरेट माइल्ड पेनफुल स्टिमुलाई, ओके। देन है सेकेंड स्टेज टू, इसको बोलते हैं डेलिरियम स्टेज या फिर स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, इज द पीरियड फॉलोइंग लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस एंड मार्क्ड बाय एक्साइटेड एंड डेलिरियस एक्टिविटी। ड्यूरिंग दिस स्टेज द पेशेंट्स रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट मे बिकम इरेगुलर, इन एडिशन देयर मे बी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स, वोमिटिंग एटसेट्रा। एक्साइटमेंट इज नोटेड, द पेशेंट मे डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ लिम्ब्स एंड टेंस स्ट्रगल, irregular breathing, breathe holding, pupils become dilated but reactive to light, okay। कुछ नहीं है, बस ये कुछ पॉइंट्स ही हैं, ऐसे होते हैं स्टेज वाइज दिए हुए हैं। उसके बाद है सर्जिकल एनेस्थीसिया, सर्जिकल एनेस्थीसिया मतलब इसी स्टेज में ही एनेस्थीसिया सॉरी सर्जरीज वगैरह जो भी हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक। इन स्टेज थ्री ऑल्सो नॉन एज सर्जिकल एनेस्थीसिया द स्केलेटल मसल्स रिलैक्स, वोमिटिंग स्टॉप्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अकर्स एंड आई मूवमेंट स्लो देन स्टॉप, द पेशेंट इज अनकॉन्सियस एंड रेडी फॉर सर्जरी। दिस स्टेज इज डिवाइडेड इंटू फोर फेजेस, फोर प्लेन्स या फोर फेजेस, ओके। फर्स्ट द आई रोल, देन बिकम फिक्स्ड। सेकेंड कॉर्नियल एंड लैरिंजियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। द थर्ड द पिपल्स डायलेट एंड लाइट रिफ्लेक्सेस लॉस्ट। फोर्थ इंटरकोस्टल पैरालिसिस एंड शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन अकर, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता था पहले जब ईथर वगैरह यूज़ किया था, कि सर्जिकल एनेस्थीसिया का जो स्टेज है इसी में सारे सर्जरीज परफॉर्म किए जाते थे। फोर्थ है एनेस्थेटिक ओवरडोज, ठीक है। स्टेज फोर इज ऑल्सो नॉन एज ओवरडोज, अकर्स वेन टू मच एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज गिवन रिलेटिव टू द amount of surgical stimulation and patient has severe brain stem or medullary depression resulting in a cessation of respiration and potential cardiovascular collapse, okay। मतलब ये है कि सर्जरी हमको जो ड्यूरेशन के लिए करना था उसके अकॉर्डिंग जो एनेस्थीसिया देना था उससे कहीं ज़्यादा डोज में एनेस्थीसिया दे दिया गया, जिससे उसके ब्रेन एंड मेडुला में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, डैमेज पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है फाइनली रेस्पिरेशन एंड पोटेंशियल कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स हो जाता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ओके।
बहुत ये डेंजरस होता है. दिस स्टेज इज लीथल ओके विदाउट कार्डियोवेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट. इसलिए इस स्टेज में अगर इस स्टेज में कोई पेशेंट पहुंचता है तो उसको कार्डियोवेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिया जाता है. एक्शन मस्ट बी टेकन टू डिक्रीज द इनहेल्ड एनेस्थेटिक और कार्डियक अरेस्ट में आकर ओके और जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा हो गया है एनेस्थेसिया का उसको कम करने के लिए एक्शन जरूर लेना चाहिए. अदरवाइज कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो सकता है एंड पेशेंट मर सकता है. ठीक. द पेशेंट में एग्जिबिट द फॉलोइंग साइंस सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन सीवियर ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन. सबको पता है ब्रेडिकार्डिया क्या है और हाइपोटेंशन क्या है. कार्डियक अरेस्ट एब्सेंस ऑफ ऑल रिफ्लेक्सेस. ठीक. देन है इंडक्शन ऑफ जीए कैन बी अचीव्ड बाय. कुल मिला के इसमें हम लोग को एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद करने हैं कि जीए के कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जीए में. तो सबसे पहले आईवी इंडक्शन एजेंट. अगर आईवी अपन जीए देना चाहते हैं तो कौन कौन से एजेंट होते हैं. कीटामिन थायोपेंटोन एंड प्रोपोफोल. ठीक. सेकंड है इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट. इसमें आता है हेलोथेन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब आईवी भी दे रहे हैं और साथ में इनहेलेशन भी दे रहे हैं. जनरली यही किया जाता है. इन एडिशन टू द इंडक्शन ड्रग मोस्ट पेशेंट्स रिसीव एन इंजेक्शन ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक. ठीक है ओके. और साथ में बहुत स्मूथली उसको करने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक भी नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या है पैथिडिन. देन है रिकवरी फेज. द पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम एनेस्थेसिया शुड बी मॉनिटर्ड फॉर कॉमन प्रॉब्लम्स पोस्ट ऑफ टू एंश्योर देयर सेफ्टी प्रोवाइडिंग फॉर अ स्मूथ एंड अनइवेंटफुल रिकवरी. पोस्ट ऑफ मतलब पोस्ट ऑपरेटिव. ऑपरेशन के बाद में पेशेंट की रिकवरी अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है उस समय उसकी सेफ्टी वगैरह जरूर इंश्योर करना चाहिए ताकि उसको बिना किसी प्रॉब्लम के वो रिकवर कर सके. और अगर उस समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि हाइपोक्सीमिया वोमिटिंग एस्पिरेशन पेन एट्सेट्रा ये सब हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन है ना. तो दीज शुड बी एड्रेस टू PACU मतलब पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट ओके अंटिल फुल रिकवरी ऑफ कॉन्सियसनेस एंड कॉम्प्लिकेशंस आर मैनेज्ड. अगर किसी पेशेंट में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसको पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट होता है वहाँ पे भेजा जाता है. वो वहाँ पे तब तक रहता है जब तक उसकी फुल रिकवरी नहीं हो जाती है एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस को वहाँ पे मैनेज किया जाता है ओके. देन साइड इफेक्ट्स ऑफ जनरल एनेस्थेसिया इंक्लूड कन्फ्यूजन एंड मेमोरी लॉस मोर कॉमन इन एल्डरली ओके. देन है डिजीनेस डिफिकल्टी इन पास डिफिकल्टी ऑफ पासिंग यूरिन ब्रूजिंग एंड सोरनेस फ्रॉम आईवी ड्रिप नॉजिया एंड वोमिटिंग मोस्ट कॉमन है. शिवरिंग एंड फीलिंग कोल्ड शॉर्ट थ्रोट ड्यू टू ब्रीदिंग ट्यूब. देन है एडवांटेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया. क्या फ़ायदा है जनरल एनेस्थीसिया देने का. रिड्यूसेस इंट्रा ऑपरेटिव पेशेंट अवेयरनेस एंड रिकॉल. ठीक. Allows proper muscle relaxation for prolonged period of time. Longer duration चाहिए तो हमको general anesthesia ही देना पड़ता है. Facilitates complete control of airway breathing and circulation. इस पर हमारा पूरा control होता है. Can be used in cases of sensitivity to local anesthetic agent. जो कि sensitivity होती है बहुत सारे लोगों को local anesthesia से तो उन सब केसेस में भी हम लोग जनरल एनेस्थेसिया यूज़ कर सकते हैं. कैन बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट मूविंग द पेशेंट फ्रॉम द सुपाइन पोजीशन. कैन बी अडाप्टेड इजीली टू प्रोसीजर्स ऑफ अनप्रिडिक्टेबल ड्यूरेशन और एक्सटेंट. मतलब कोई सर्जरी है जिसका हमको टाइम नहीं पता टाइम ड्यूरेशन नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है उस कंडीशन में भी हम लोग इसको ईजिली कर सकते हैं क्योंकि उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कितनी देर तक उसको एनेस्थेसाइज करके रखना है क्योंकि इनहेलेशन से देते रहते हैं इनहेलेशन वाले जो एनेस्थेसिया है उसको. ठीक है. कैन बी एडमिनिस्टर्ड रैपिडली एंड इज रिवर्सिबल. रैपिडली एडमिनिस्टर किया जा सकता है एंड ये क्या होता है रिवर्सिबल.